पबजी गेम के जरिए प्यार में रही सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी दोनों ही देशों में चर्चा का विषय है। पाकिस्तान में सीमा का पति उसे वापस बुलाने पर तुला हुआ है, वहीं सीमा हैदर भारत में ही सचिन के साथ रहने की जिद पर है। सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है, सीमा पूरे विधि के साथ पूजा पाठ भी करने लगी है। लेकिन क्या वाकई में सीमा सचिन के लिए भारत आई है या सचिन महज एक मोहरा है? पाकिस्तान की रहने वाली सीमा अपना सब कुछ बेचकर अपने पति को छोड़कर भारत आ गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर शक की सुई गहराती जा रही है। सीमा के पाकिस्तानी पहचान पत्र और पासपोर्ट के जांच में एटीएस उलझ गई है। जांच में एक और बात सामने आई है जो कि हैरान करने वाली है। सीमा के पाकिस्तानी पहचान पत्र और पासपोर्ट के जांच में एटीएस उलझ गई है। सीमा ने अपने फेसबुक अकाउंट से सेना के एक अधिकारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, पर क्यों? सीमा पर शक तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि सचिन पहला भारतीय नहीं है जिससे सीमा ने बात की है। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि जिन लड़कों से वह बात करती थी उनमें से ज्यादातर दिल्ली NCR के रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी हैं कुछ लड़के जिनसे सीमा बात करती थी। इन सभी से वह ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए ही मिली थी। सीमा पर नजरें संगीन है, इसका एक और बड़ा कारण है उम्र का फर्क। सीमा के पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 साल है, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया कि वह 27 वर्ष की है, यानी अब उसके पहचान पत्र पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एटीएस ने शक के आधार पर सीमा सचिन और सचिन के पिता से 11 घंटे तक पूछताछ की। एटीएस ने सीमा के बच्चों से भी पूछताछ की। सीमा ने अपने एक बयान में बताया था कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कक्षा 5 तक ही पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से सीमा बात करती है और हाजिर जवाबी है उससे शक और गहरा होता जा रहा है। एटीएस जांच में पता लगा रही है कि सीमा सब कुछ अपने आप कर रही है या कोई उसे गाइड कर रहा है। एटीएस ने बताया कि सीमा बिल्कुल नपे तुले अंदाज में जवाब दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गई, जिसे सीमा हैदर ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि इंग्लिश का एक्सेंट भी काफी अच्छा था। सीमा और सचिन की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह सुनने में तो अच्छी लगती है कि सारी सरहदों को तोड़कर सीमा अपने प्यार के पास आ गई। सुनने पर यह दीवानगी लगती है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसे इस प्यार की कहानी में हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीमा ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। सीमा का कहना है कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, ऐसे में उस पर जासूस होने का संदेह और बढ़ रहा है। सीमा जिस तरह सुरक्षा एजेंसियों के पहरे को पार करके आई है उससे वह शक के दायरे में आ गई है। बता दें कि सीमा 2019 में पबजी के जरिए भारत में सचिन मीणा से मिली, फिर 10 मार्च 2023 में नेपाल में दोनों की मुलाकात हुई। अब दूसरी ही मुलाकात में वह पाकिस्तान से भागकर भारत आ गई और मार्च 2023 में सचिन से शादी कर ली। अब उसकी भारत सरकार से गुहार है कि वह वापस अपने मुल्क नहीं जाएगी। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि हनी ट्रैप में फंसाकर जासूसी करने के ढेरों मामले सामने आए हैं। फिलहाल सचिन और सीमा पर पुलिस की पैनी नजर है।